नमस्कार, मैं लालचंद, हिंदी अध्यापक, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल मामू जुइया, जिला फाजिलका। हिंदी विषय के ऑनलाइन सेक्शन में एक बार फिर आपके सामने हूँ एक नया विषय लेकर। आठवीं कक्षा का नवम अध्याय हमने शुरू किया हुआ है, उसका भाग एक जो है पहले मैं भेज चुका हूँ। भाग दो की शुरुआत करने जा रहे हैं। पाठ का नाम है मन के जीते जीत, जिसमें विकलांग विभूतियों के बारे में बताया गया है, उनके जीवन के उदाहरण दिए गए हैं, किस तरह उन्होंने अपनी विकलांगता को एक चुनौती दी और अपने जीवन में आगे बढ़े। तो आगे हमने चर्चा की थी अष्टावक्र जी के बारे में, सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, रविंद्र जैन। आज जहां से शुरुआत करने जा रहे हैं वह महान हस्ती है एल्वा एडिसन, थॉमस एडिसन भी कहते हैं, पूरा नाम थॉमस एल्वा एडिसन। सुनने की लगभग शक्ति खो चुके विश्व के महान आविष्कार खोज करने वाले थॉमस एल्वा एडिसन ने सारा संसार, इस व्यक्ति से, इस महान विभूति से पूरा संसार परिचित है, सभी इनसे इनको जानते हैं। उन्होंने जीवन में अनेक कष्ट झेले किंतु कभी निराश नहीं हुए। उन्होंने हजार से भी अधिक आविष्कार किए, जिनमें बिजली के बल्ब का आविष्कार दुनिया के लिए सबसे बड़ी देन है। वह पूरी तरह सुन भी नहीं सकते थे, किंतु उनके द्वारा किए गए ध्वनि से संबंधित आविष्कार जैसे माइक्रोफोन, ये सब मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये देखिए बल्ब आ गया, फोनोग्राफ आ गया, माइक्रोफोन आ गया। इन चीज़ों का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया। इनके आविष्कार देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि जो इंसान पूरी तरह से स्वयं सुन भी नहीं सकता वह किस प्रकार ध्वनि के हर पहलू को भलीभांति समझ लेता है। निस्संदेह विकलांगता उनके काम में कभी बाधक नहीं बनी, कभी रुकावट नहीं बनी। अगली महान विभूति है लुई ब्रेल। इसी तरह मात्र 3 वर्ष की आयु में नेत्रहीन हो जाने वाले लुई ब्रेल ने भी जीवन में अनेक कष्ट सहे। वह स्वयं दृष्टिहीन लोगों के स्कूल में पढ़े, दृष्टिहीन जिनको दिखाई नहीं देता उन स्कूल में वह पढ़े थे, फिर अध्यापक बने, किंतु उस समय तक नेत्रहीनों के लिए सीखने के लिए कोई बढ़िया तकनीक नहीं थी। अतएव लुई ब्रेल ने अनथक प्रयत्नों के बाद, अनथक बिना थके हुए के लिए, शब्दांश के लिए एक वाक्य है अनथक प्रयत्नों के बाद नेत्रहीनों के लिए एक ऐसी लिपि का आविष्कार किया गया जिससे नेत्रहीन जो हैं पढ़ने में समर्थ हो सकें। इस लिपि को ब्रेल लिपि कहते हैं, लुई ब्रेल के नाम पर ही लिपि का नाम रखा गया, ब्रेल लिपि। ये लिपि कागज़ पर उभरे चिन्ह होते हैं जिन्हें स्पर्श कर वह पढ़ते हैं। कागज़ पर कुछ चिन्ह जो हैं उभरे होते हैं, उनको हाथ से स्पर्श करके वह पढ़ लेते हैं। बेशक ये लिपि दुनिया भर में आज प्रयुक्त हो रही है। ये लुई ब्रेल है, इनके साथ ही इनकी लिपि जो है वह दर्शाई गई है। ये देखिए ब्रेल अल्फ़ाबेट जो है इस तरह होते हैं, कागज़ पर उकरे होते हैं, उसको हाथ से छूने से शब्दों की पहचान की जाती है कि ये कौन सा अल्फ़ाबेट है, कौन सा अक्षर है। इस लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल ने किया है। खुद नेत्रहीन थे और नेत्रहीनों के लिए एक बहुत बड़ा योगदान जो था उन्होंने दिया। आगे
समाज सेवा में भी विकलांग जो है कभी पीछे नहीं हटे। सुप्रसिद्ध समाज सेवी बाबा आमटे से भला कौन परिचित नहीं है। इनका असली नाम मुरलीधर देवीदास आमटे था। ये स्वयं भयंकर अस्थि विकलांगता के शिकार थे, परंतु फिर भी इन्होंने अपनी सारी उम्र कुष्ठ रोगियों, जो चमड़ी के रोगी हैं, और समाज से परित्यक्त जिनका त्याग कर दिया गया, समाज ने जिनको छोड़ दिया है, लोगों की सेवा में बिता दी। महाराष्ट्र के वडोरा के निकट आनंदवन आश्रम में इन्हीं की प्रेरणा व अंथक प्रयासों से अनेक कुष्ठ रोगी भीख मांगना छोड़कर श्रम करके, मेहनत करके पसीने की कमाई करने में समर्थ हुए। वह लोग जो भीख मांगते थे, उन लोगों को बाबा आमटे जी ने खून पसीने की कमाई करने के लिए प्रेरित हुआ, इसके लिए वह योग्य बने, वह सम्मानपूर्वक जीवन जीने लगे। बाबा आमटे को समाज सेवा के लिए भारत सरकार ने 1971 में पद्मश्री तथा 1986 में पद्म भूषण सम्मान दिया। इनके अतिरिक्त इन्हें अनेक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सम्मान व पुरस्कार भी मिले हुए हैं। ये देखिए, राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति जी के द्वारा इनको सम्मानित किया जा रहा है। ये देखिए, ये बाबा आमटे जी स्वयं रोगी थे, पर फिर भी इन्होंने जो कुष्ठ रोगी हैं उनके लिए बहुत बड़ा योगदान दिया, इसलिए इन्हें कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो थे दिए गए थे। बच्चों, भारतीय क्रिकेट में विकलांगता के बावजूद जगह बनाना अपने आप में अनूठी बात है। एक और महान पुरुष की बात हो रही है, ये करिश्मा कर दिखाया भारतीय स्पिनर चंद्रशेखर। चंद्रशेखर, इनके बारे में भी जान लेते हैं। ये देखिए, चंद्रशेखर जी भारतीय क्रिकेटर हुए हैं। उनका एक हाथ जो था पोलियोग्रस्त था, एक हाथ पर पोलियो हुआ था, किंतु फिर भी वह उसी पोलियोग्रस्त हाथ से, जिस हाथ को पोलियो हुआ है उसी हाथ से बड़ी अच्छी गेंदबाजी करते और बल्लेबाज को पेवेलियन पहुंचा देते। उन्होंने भारतीय टीम की ओर से 58 टेस्ट मैच खेले और 7199 रन देकर 242 विकेट लिए। भारतीय सरकार द्वारा उन्हें अर्जुन पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। भारतीय इतिहास में ऐसे व्यक्ति तभी हैं जिन्होंने अपनी विकलांगता से कभी हार नहीं मानी, अपितु वीरता व साहस के बल पर दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवाया। राणा सांगा ने बचपन में ही एक आंख खो दी थी और बाद में युद्धों में एक हाथ और एक पैर को भी इन्होंने खो दिया, किंतु इस विकलांगता का उनकी वीरता और साहस पर कोई असर नहीं पड़ा। अब राणा सांगा के बारे में जानते हैं। ये देखिए, स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इनकी एक आंख जो है वह खराब है। युद्ध में एक हाथ भी कट गया था, उसके बावजूद भी अपनी वीरता से, अपनी बहादुरी से, अपने साहस से सभी को लोहा मनवाया। बड़े बड़े शासक उनके नाम से थर थर कांपते थे। मेवाड़ के राजा थे राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी जैसे अनेक विरोधियों के दांत खट्टे किए। इब्राहिम लोदी, तस्वीर आपके सामने। राणा सांगा के नाम से सभी जो थे थर थर कांपते थे। इसी तरह महाराजा रणजीत सिंह की
चेचक के कारण एक आँख खराब हो गई थी। तस्वीर आपके सामने नज़र आ रही है महाराजा रणजीत सिंह जी की। बचपन में चेचक के कारण इनकी एक आँख खराब हो गई थी, किंतु फिर भी वे कभी निराश नहीं हुए। 19 वर्ष की आयु में उन्होंने लाहौर पर अधिकार कर लिया। फिर धीरे धीरे जम्मू कश्मीर, अमृतसर, मुल्तान, पेशावर आदि क्षेत्रों पर इन्होंने अधिकार कर लिया। अपने कुशल प्रबंध, वीरता, न्यायप्रियता, दयालुता और दानशीलता के कारण महाराजा रणजीत सिंह को जाना जाता है। अतएव बच्चों, यदि दिल में कुछ कर गुजरने की तमन्ना और जज्बा हो तो तमाम मुसीबतों को आखिरकार घुटने टेकने ही पड़ते हैं। अब आप ही बताइए, यदि इन विभूतियों ने जीवन के संघर्ष में अपनी हार मान ली होती तो क्या वे आज दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत बन पाते? आइए, उठिए, अपने आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय, चित्त की एकाग्रता और अपनी शक्तियों को केंद्रित करें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। कहा भी है, भाग्य संवरता नहीं संवारना पड़ता है। और भी कहा गया है, ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता अपने आप करते हैं। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो हमें भी इन महान विभूतियों से प्रेरणा लेनी है, हर मुश्किल का सामना करना है, कठिनाई आने पर कठिनाई के सामने घुटने नहीं टेकने, एकाग्रता के साथ, वीरता के साथ, साहस के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ उसका सामना करना है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।